थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, जिसके अनुसार क्या माना जाता है कि इसके थ्री कोनोटेशंस हैं जो क्या बताते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्पीसीज और टाइप्स दैट वी सी टूडे वर क्रिएटेड एज सच। तो इसका मानना है कि जो भी आज हम जीव जंतुओं को देखते हैं ये ऐसे कैसे बने हैं, इनमें कोई चेंज नहीं आया, ये पहले भी ऐसे ही थे और आज भी ये ऐसे ही हैं, कोई इवोल्यूशन नहीं आया। डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज सेम सिंस क्रिएशन एंड विल बी सेम इन फ्यूचर आल्सो। तो जो आज हम जैव विविधता देख रहे हैं, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, ये जब बने थे उस टाइम से ही ऐसे कैसे हैं, और आने वाले जो टाइम है फ्यूचर में भी इनके अंदर कोई चेंज है वो देखने को नहीं मिलेगा, वो सेम रहेंगे, इस थ्योरी का मानना है ये। और इसके अनुसार जो अर्थ है वो केवल 4,000 साल पुरानी ही है, जो कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन बोलती है कि जो जीव हैं ये, मतलब जो गॉड हैं, भगवान हैं, उन्हीं ने बनाए हैं, और उन्हीं ने जितना भी अलग अलग टाइप की जो क्रिएचर हैं वो डेवलप किए हैं, जो अलग अलग धर्मों में अलग अलग जो उनके जिनको वो मानते हैं गॉड होते हैं, तो उनको उनके हिसाब से ये थ्योरी काम करती है, स्पेशल क्रिएशन जो सुपर नेचुरल पावर है वो काम करती है इनके पीछे। स्ट्रॉन्गली चैलेंज्ड ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, 1919वीं सदी के अंदर इस थ्योरी को काफ़ी चैलेंज किया गया, काफ़ी आर्ग्यू हुए हैं इसके ऊपर। जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली कोरिलेट्स विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ का मतलब अर्थ के किस प्रकार से बनी है, वो किसके साथ कोरिलेट करता है, किसके साथ वो बिल्कुल उसका संबंध है, बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ के साथ, मतलब जो जीवन आया है धरती पे, तो वो जैसे जैसे अर्थ बनती गई है, जो जीवन भी इसी तरीके से डेवलप होता गया है अर्थ के ऊपर। कंक्लूजन क्या है इस चीज़ का, अर्थ इज वेरी ओल्ड, नॉट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एज वॉज थॉट अर्लियर बट बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड। जो धरती है जैसे इसमें माना गया 4,000 साल पुरानी ही थी, लेकिन इसका जो बाद में कंक्लूजन निकाला गया कि जो अर्थ है वो बिलियंस ऑफ ईयर्स, मतलब अरबों साल पुरानी है, ना कि हजारों साल पुरानी। उसके बाद है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अरोज स्लोली थ्रू द इवोल्यूशनरी फोर्सेज फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स इज एक्सेप्टेड बाय मेजोरिटी। तो जो पहला जो जीवन का जो पहली फॉर्म बनी, पहला प्रकार बना, तो वो किस चीज़ से बना है, इवोल्यूशनरी फोर्सेज की वजह से, जो जैव विकास के अलग अलग जो बल काम करते हैं प्रकृति में उनकी वजह से। और उन्होंने क्या किया, जो नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स थे उनसे जो लिविंग मॉलिक्यूल्स हैं वो बने हैं, ये बायोजेनेसिस थ्योरी उसके बारे में बताती है। फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर्स बैक, 3 अरब साल पहले मानी जाती है कि जो पहली जो नॉन सेलुलर फॉर्म्स हैं, नॉन सेलुलर का मतलब उनके पास इतनी ज़्यादा सेलुलर कंपोजिशन तो नहीं थी जो आज हम एक सेल की स्ट्रक्चर में देख पाते हैं, लेकिन वो सिंपलर स्ट्रक्चर थी, वो जो लाइफ है वो 3 अरब साल पहले बनी है धरती के ऊपर। दे वुड हैव बीन जाइंट मोलिक्यूल्स, तो वो क्या है, सेल तो नहीं थे, सेल के अंदर जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पाए जाते हैं, जैसे आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड, तो अलग अलग कंपोनेंट होते हैं जो सेल के। ऐसा माना जाता है कि जो लाइफ शुरुआत में इन्हीं की फॉर्म में विकसित हुई है। फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ डिड नॉट ओरिजिनेट टिल अबाउट 2,000 मिलियंस ईयर्स एगो। तो जो कंप्लीट एक सेलुलर स्ट्रक्चर है वो लगभग 2,000 मिलियंस ईयर्स एगो का मतलब है 2 अरब साल पहले ही विकसित हुई है, उससे पहले कोई भी, मतलब जो सेलुलर फॉर्म है उसका कोई भी आज सबूत वो देखने को नहीं मिलता है। वर प्रोबेबली सिंगल सेल्स एंड इन एनवायरमेंट, वाटर एनवायरमेंट ओनली। और जो ये इवोल्यूशन है सेलुलर फॉर्म का जो ये बनी है वो सिंगुलर सेल की फॉर्म में बनी है, पहले सिंगुलर सेल ऑर्गेनिज्म है, फिर बाद में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स आए, और वाटर एनवायरमेंट ओनली जो इवोल्यूशन माना जाता है ये पानी के अंदर ही माना जाता है। उसके बाद इस बायोजेनेसिस को सपोर्ट करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, जैसे यूरे एंड मिलर का एक्सपेरिमेंट बड़ा फेमस माना जाता है। तो इन 1953 SL मिलर और साथ में इनके जो यूरे थे, ये इनके यूरे और मिलर ये एक दूसरे के गुरु शिष्य थे ये, और जो इनका रिसर्च था उन्होंने साथ मिलके किया, अमेरिकन साइंटिस्ट थे, क्रिएटेड सिमिलर कंडीशन, जैसे पहले जो एनवायरमेंटल कंडीशन थी, जो अलग अलग गैसेज की कंपोजिशन थी, तो ऐसी ही गैसेज की कंपोजिशन इन्होंने लेबोरेटरी स्केल पे लैब में तैयार की। और इन्होंने क्या किया, क्रिएटेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन क्लोज्ड फ्लास्क, एक बंद फ्लास्क ली, जो फ्लास्क होती हैं कोनिकल फ्लास्क, राउंड बॉटम फ्लास्क, ऐसी एक स्फेरिकल फ्लास्क ली जिसके अंदर मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया, वाटर वेपर्स लिए और उनके अंदर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करवाया,
और जो वो किस टेम्परेचर पे ली, 800 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस पे ये जो रिएक्शन है वो करवाई, और जिससे क्या ऑब्जर्व किया, अमाइनो एसिड बनते हुए इन्होंने ऑब्जर्व किए। ऐसे ही सिमिलर कंडीशन में तो इन्होंने शुगर्स, नाइट्रोजन बेस और पिगमेंट्स और फैट, ये चीज़ें भी ऑब्जर्व की। और कुछ दूसरे साइंटिस्टों ने भी इनके अंदर अपना रोल प्ले किया, जो कि अलग अलग जो कंपाउंड्स हैं, अदर्स का मतलब है, दूसरे साइंटिस्टों ने भी ये जो शुगर वगैरह है, नाइट्रोजन बेस है, पिगमेंट्स हैं, फैट्स हैं, इनकी फॉर्मेशन को प्रूव करके दिखाया कि ये कैसे बने हैं। एनालिसिस ऑफ मेटेराइट, जो ये खगोल पिंड वगैरह हैं जो धरती पर टकराते रहते हैं, यदि उनका अच्छे ढंग से एनालिसिस, उनका निरीक्षण किया जाए, तो इसी प्रकार के जो कंपाउंड्स हैं उनके अंदर भी पाए जाते हैं। तो केमिकल इवोल्यूशन वाज मोर और लेस एक्सेप्टेड, तो यहाँ से जो केमिकल इवोल्यूशन है कि वो जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उन्हीं से ही लिविंग थिंग्स ओरिजिनेट हुई हैं, उसको कई लेवल पे तो ज़्यादा माना गया और कई लेवल पे कम, क्योंकि इसके लिमिटेड एविडेंस ही मौजूद थे। तो जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है यूरी एंड मिलर ने यूज किया उनके लेबोरेटरी स्केल पे, तो वो क्या था, एक फ्लास्क लिया जिसके अंदर उन्होंने जो भी उस टाइम के एनवायरमेंटल कंडीशन थी, क्लोज्ड फ्लास्क था, तो जिसके अंदर इन्होंने मिक्सर लिया, एक फ्लास्क यहाँ पे है जो कि वाटर को यहाँ पे लगातार गर्म करता गया, जिसकी वजह से टेम्परेचर है वो अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ। एक जगह पे स्पार्किंग वगैरह ली, और स्पार्किंग क्या कर रही थी, जैसे उस टाइम पे लाइटनिंग वगैरह होती थी, तो काफ़ी सारी जो गैसेज के कम्बिनेशन में उनके रिएक्शंस में ये भी बड़ा रोल प्ले करती थी। अकेला टेम्परेचर ही नहीं, जो लाइटनिंग वगैरह है उनकी वजह से कई गैसेज के कम्बिनेशन है वो उस टाइम बने। और जो अलग अलग गैस हैं वो एक क्लोज्ड फ्लास्क में लिया, उसके बाद स्पार्किंग करवाई, स्पार्किंग से देखा कि जो नीचे का कंटेंट था उनको जब उन्होंने टेस्ट करके देखा, तो इसके अंदर अमाइनो एसिड और कुछ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो बने। लिए इन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे, लेकिन जो अलग अलग उस टाइम के एनवायरमेंटल कंडीशन को क्रिएट किया गया उससे पाया गया कि जो अमाइनो एसिड है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, वो इन्हीं से बने हैं। उसके बाद इसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाया ओपरेन और हेल्डन ने, तो उन्होंने क्या किया, ओपरेन ऑफ रशिया, हेल्डन ऑफ इंग्लैंड, जो अलग अलग देश देश के साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने क्या बताया कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इन्होंने भी इस चीज़ के साथ सहमति जताई कि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, जैसे आरएनए, प्रोटीन, उन्होंने तो जैसे जो इनसे पहले वाले साइंटिस्ट थे यूरे एंड मिलर, उन्होंने बताया था कि आरएनए वगैरह है, प्रोटीन वगैरह, वो कैसे बनते हैं। और इन्होंने क्या बताया कि जो लाइफ है इन मॉलिक्यूल से आगे कैसे डेवलप हुई, इनका मतलब आगे का स्टेप है वो इन्होंने क्लियर किया। एंड फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रिसीडेड बाय केमिकल इवोल्यूशन, जो केमिकल इवोल्यूशन के बाद ही जो लाइफ है वो ओरिजिनेट उसका माना जाता है, पहले केमिकल इवोल्यूशन हुआ और उसके बाद जो उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बनने स्टार्ट हुए। फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट, तो ये केमिकल इवोल्यूशन यही बताता है कि जो अलग अलग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं वो इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट से कैसे बने हैं। कंडीशंस क्या थी उस टाइम, हायर टेम्परेचर, वोल्केनिक स्टॉर्म्स, मतलब जो ज्वालामुखी वगैरह फटते थे, रिड्यूसिंग एटमोस्फियर था, रिड्यूसिंग का मतलब वहाँ पे हाइड्रोजन का कंटेंट ज़्यादा था, ऑक्सीजन बहुत कम प्रेजेंट थी, तो CH4, मिथेन, अमोनिया, ये जो गैसेज हैं उस टाइम ज़्यादा प्रेजेंट थी। तो जो ओपरेन और हाल्डन की थ्योरी ने क्या बताया, एक हाल्डन इन्होंने सूप लिया, सूप मतलब एक लिक्विड पोर्शन जिसके अंदर अलग अलग कंस्टिट्यूएंट मटेरियल प्रेजेंट थे, जिसमें सिंपल मॉलिक्यूल से आरएनए, डीएनए वगैरह, और जो उसके बाद कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाए जो बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम कर रहे हैं, किसके अंदर जैसे ही वो एग्रीगेट हुए, इकट्ठे हुए, तो कोसर वेट्स मतलब छोटे छोटे जो बायो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म्स हैं वो बनी, माइक्रोस्पियर्स, माइक्रोस्पियर्स बने, जैसे पिक में हम देख सकते हैं, और इन्हीं माइक्रोस्पियर से प्रोटो सेल्स मतलब पुराने टाइप की सेल्स बनी, और इन्हीं प्रोटो सेल्स के अंदर जब न्यूक्लिक एसिड आया, आरएनए, डीएनए आया, तो इन्होंने सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक सिस्टम बना, एक सेल बनी। तो सेल का इवोल्यूशन हम देख सकते हैं किस प्रकार से हुआ है ओपरेन एंड हाल्डन थ्योरी के अनुसार। उसके बाद थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, लाइफ केम आउट ऑफ डिकेइंग एंड रूटन मैटर लाइक स्ट्रा एंड मड, और तो ये थ्योरी उसका मतलब आगे के बारे में बताती है कि पहले एक बारी जो लाइफ आई है, उसके बाद जो कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस बने हैं उनके ही गलने सड़ने से आगे की जो लाइफ है वो ओरिजिनेट हुई है। और इसके बारे में जो एक्सपेरिमेंट है वो दिया था एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन लुईस पास्टर ने, उन्होंने क्या किया था, लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ,
तो इन्होंने बताया था कि जो पुराने टाइम पे यदि पुरानी लाइफ पहले एग्जिस्ट है करती है कहीं, तो उसी से जो नई लाइफ है वो विकसित होती है। तो इन्होंने क्या किए थे, कुछ प्री स्टरलाइज्ड फ्लास्क, मतलब फ्लास्क को स्टरलाइज किया इन्होंने, और उसमें कुछ टाइम के बाद देखा कि वहाँ पे कोई भी जो यीस्ट है वो नहीं बनी है, कोई बैक्टीरिया वगैरह है उनकी ग्रोथ नहीं हुई है, क्योंकि उन्होंने पहले ही जो स्पोर वगैरह यदि प्रेजेंट भी थे, बैक्टीरिया वगैरह छोटे मोटे उनके अंदर प्रेजेंट भी थे, तो उनको प्री स्टरलाइज का मतलब हीट वगैरह करके उसको स्टरलाइज कर लिया, स्टरलाइज मतलब उनको कीटाणु रहित कर लिया, और उसके बाद उसको लंबे टाइम तक ऐसे ही रखा, तो उसके अंदर पाया कि कोई भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसने पहले वाली प्री एग्जिस्टिंग लाइफ को तो उस टाइम किल ही कर दिया। और उन्होंने फिर दूसरे फ्लास्क के अंदर क्या किया, उस फ्लास्क को ओपन एयर छोड़ दिया, ऐसे खुले में छोड़ दिया, जिसकी वजह से उसके अंदर नए नए जो ऑर्गेनिजम्स है वो अरोज हुए, किससे, किल्ड यीस्ट से। तो इन्होंने यीस्ट का एक लिक्विड फॉर्म ली और उनको प्री स्टरलाइज, यदि उसको गर्म किया काफ़ी टाइम तक, उसके बाद ऊपर से उसको बंद कर दिया, तो उसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म वो डेवलप नहीं हुए। लेकिन यदि इसी किल्ड यीस्ट को ओपन एनवायरनमेंट में रख दिया, तो उसमें से काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के जो बैक्टीरिया है वो देखने को मिले। तो पिक से हम जो एक्सपेरिमेंटल है वो देख सकते हैं। ये लो स्पाइसर थे, और इन्होंने जो एक स्पेशल टाइप का जो फ्लास्क लिया, जिसकी जो नेक थी वो स्वान नेक टाइप की थी, जैसे जो हंस हंस की नेक होती है, इस प्रकार की जो मुड़ी हुई ट्यूब थी, तो उस टाइप का फ्लास्क लिया। फ्लास्क में क्या लिया, जो ईस्ट है उनको लिया, ईस्ट का एक लिक्विड फॉर्म जो खमीर होता है, जो एनारोबिक फर्मेंटेशन करवाता है। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में क्या किया, गर्म किया उसको जो भी लिक्विड में कंटेंट था, और उसके बाद उस फ्लास्क को ऐसे ही छोड़ दिया, स्टरलाइजेशन कर दिया मतलब, और बाद में चेक किया थोड़े टाइम के बाद कि वहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं था। लेकिन सेकंड वाले में क्या किया, हीट किल्ड तो किया, लिक्विड कंटेंट से एक बार स्टरलाइज तो कर दिया वो, लेकिन उसके बाद जो नेक वाला पोर्शन है, ये बैंड नेक वाला, ये हटा दिया, और उससे क्या मिला कि जो बैक्टीरिया है वो फ्लास्क के अंदर थोड़े टाइम के बाद जर्मिनेट होना स्टार्ट हो गए। और जो एक थर्ड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, हीट सप्लाई की, एक बार स्टरलाइज किया, उसके बाद कुछ कंटेंट है वो ट्यूब के अंदर लेके आ गए, और फिर बाद में देखा कि जो बैक्टीरिया है वो भी प्रेजेंट थे। तो जब तक एयर के साथ कोई कनेक्शन नहीं था इस लिक्विड का, जैसे यहाँ पे एयर के साथ कोई कनेक्शन था, और ये बेंट ट्यूब क्यों ली गई, ताकि जो बैक्टीरिया वगैरह है वो इस पोर्शन तक ना पहुँच पाए, जो भी बैक्टीरिया वगैरह ग्रो कर पाए वो इसी पोर्शन तक पहुँच पाए, जो बेंट वाला बाग है इसी जगह तक। तो ज़्यादा ज़्यादा बैक्टीरिया को, एयर वाले बैक्टीरिया को दूर रखने के लिए इस टाइप का जो इन्होंने जो मॉडिफिकेशन है वो ट्यूब है वो ली थी फ्लास्क के ऊपर। तो यही बता रहा है कि यदि पहले यदि लाइफ प्रेजेंट है, जैसे एयर में लाइफ प्रेजेंट है, तो एयर यदि कंटेंट में आ जाती है इसके स्टरलाइज्ड पोर्शन के, तभी बैक्टीरिया ग्रो कर पाएंगे, अदरवाइज वो बैक्टीरिया नहीं ग्रो कर पाते हैं। उसके बाद है डार्विनिज्म। तो डार्विन जो साइंटिस्ट हैं उनकी हम पिक देख सकते हैं, बेस्ड ऑन, तो ये थ्योरी है डार्विनिज्म। तो डार्विन ने कुछ ऑब्जर्वेशन की थी, कब की थी, जब ये एक सी वॉयज, एक समुद्री यात्रा पे गए थे एक शिप के अंदर, और शिप का नाम था HMS बीगल शिप, गैलापागोस आइलैंड पे गए थे ये एक, और ये लगभग 5 साल तक इनकी समुद्री यात्रा है वो चली थी। और वहाँ से जो भी ऑब्जर्वेशन ली, तो डार्विन ने क्या कंक्लूजन निकाला, जो अपने ऑब्जर्वेशन से जो उन्होंने वहाँ पे देखी अलग अलग चीज़ें, एक्सटिंक्शन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स काज अराइजन ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ दैट ऑफ लाइफ एट द डिफरेंट पीरियड्स। तो अलग अलग टाइम पे धरती के ऊपर अलग अलग जो स्पीसीज हैं, अलग अलग जो जीवन है वो ख़त्म होता रहता है, और जो नई लाइफ फॉर्म्स हैं वो उनकी जगह पे आती रहती हैं, और ऐसा धरती पे काफ़ी बार हुआ है। एनी पॉपुलेशन हैज बिल्ट इन वेरिएशन इन करेक्टरिस्टिक्स, तो जो पॉपुलेशन हैज बिल्ट इन वेरिएशंस, वो काफ़ी सारे अपने अंदर बदलाव विकसित करती हैं अलग अलग गुणों में, और जो ये बदलाव हैं वो उनको अनेबल, उनको मदद करते हैं किसके लिए, टू सर्वाइव बेटर इन नेचुरल कंडीशन, जो उनके वातावरण के अंदर अलग अलग परिस्थितियाँ हैं उनमें उनको जिंदा रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मदद करते हैं। फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल और पॉपुलेशन, तो इन्होंने फिटनेस का पॉइंट दिया था, फिटनेस क्या चीज़ होती है, अल्टीमेटली एंड ओनली टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस। तो फिटनेस का वहाँ पे मतलब केवल रिप्रोडक्टिव फिटनेस था, और इसका मतलब क्या है, हु आर बेटर फिट इन वन एनवायरमेंट, जो जीव ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से अपने आप को डाल लेते हैं, तो वही जीव ज़्यादा ज़्यादा अपनी जो प्रोजेनी है, अपने जो वंशज हैं उनको छोड़ पाते हैं नेचर में, और उसकी वजह से वो ज़्यादा सर्वाइव कर पाएंगे, और
वो नेचर के द्वारा सेलेक्ट कर लिए जाते हैं। नेचर चाहती है कि जो जीव डेवलप कर पाएगा उसी को वो सर्वाइव करने का मौका देगी, बाकी को वो एलिमिनेट, वो नेचर से हटा देती रहती है टाइम टू टाइम। तो ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉर द नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, तो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी बोलते हैं इसको, जो डार्विन ने दी, डार्विनिज्म थ्योरी बोलते हैं, डार्विन थ्योरी ऑफ डार्विन ही बोलते हैं। तो इसके लिए डार्विन ने कुछ ऑब्जर्वेशन, कुछ स्टडी है वो पहले से की थी, जिसके अंदर उन्होंने वर्क ऑफ माल थॉम्स माल्थस ऑन पॉपुलेशन, एक साइंटिस्ट को ये पढ़ के गए थे जिन्होंने पॉपुलेशन के ऊपर वर्कआउट किया था, ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर, और उन्होंने क्या कुछ बताया था। नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, जो प्राकृतिक संसाधन है वो लिमिटेड है, वो बढ़ नहीं सकते, लेकिन पॉपुलेशन आर स्टेबलाइज इन साइज एक्सेप्ट फॉर द सीजनल फ्लक्चुएशन। और इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से जो पॉपुलेशन है एक बारी तो बढ़ती है, लेकिन उसके बाद एक स्टेबल लेवल पे पहुंच जाती है, ज़्यादा नहीं बढ़ पाती। और हालांकि उसके अंदर सीजनल फ्लक्चुएशंस हैं, मतलब उतार चढ़ाव हैं, कभी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, तो वो जरूर देखने को मिलता है। पॉपुलेशन साइज विल ग्रो एक्सपोनेंशियली इफ एवरीबडी रिप्रोड्यूस्ड मैक्सिमली, यदि हर एक जीव अपनी फुल कैपेसिटी के साथ रिप्रोडक्शन करता है तो वो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है। लेकिन जो पॉपुलेशन साइज यदि हम रियलिटी में देखें तो वो लिमिटेड रहता है, वो ज़्यादा नहीं बढ़ पाती हैं। क्यों? क्योंकि जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, जो खाना पानी की जो चीज़ें हैं प्रकृति में वो तो लिमिटेड ही हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती हैं और रिसोर्सेज कम हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन होएगा उनके बीच में, मारकाट मच जाएगी, और जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो एक लेवल तक ही रह के, एक लेवल तक बढ़ने के बाद ही वहीं तक रह जाती है। और उसके अंदर भी कुछ जो सर्वाइव कर लेते हैं, और किस बेस पे सर्वाइव करेंगे, दूसरों के कोस्ट पे, मतलब दूसरों को डैमेज करके ही वो सर्वाइव करेंगे, और किनको किसके कोस्ट पे रहेंगे, जो कि अपने आप को बचा नहीं पाते हैं नेचर में। तो किसी न किसी को तो अपने जो जो लाइफ है उसको त्यागना पड़ेगा दूसरों को जीवित रहने के लिए। तो कंपटीशन में यही रहता है कि एक जो जीव है वो सर्वाइव कर लेता है, बल्कि जो दूसरा है वो उसकी डेथ हो जाती है। हेरिटेबल वेरिएशन विच मेक्स रिसोर्सिज यूटिलाइजेशन बेटर फॉर फ्यू, तो कुछ जो वेरिएशन सही है हेरिटेबल होती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकती हैं, जिसकी वजह से जो रिसोर्सिज हैं, जो संसाधनों का यूज है, वो अच्छे से अच्छे ढंग से किया जा सकता है कुछ स्पीसीज के द्वारा, और उनकी वजह से क्या है वो ज़्यादा मात्रा में रिप्रोड्यूस कर पाते हैं और ज़्यादा वो प्रोजेनी है अपनी नेचर में छोड़ पाते हैं। ओवर मैनी जनरेशन, कई जनरेशन के बाद जो सर्वाइवर्स हैं, जो जीवित रहने वाले जीव हैं, मतलब जो कंपटीशन से बच जाते हैं, वो ज़्यादा प्रोजेनी छोड़ देंगे, और वही प्रोजेनी ज़्यादा वेरिएशन के साथ एक नई स्पीसीज है वो बनाती हुई मिलेगी। एक एल्फर्ड वेलेस साइंटिस्ट हैं, एक नेचुरलिस्ट हैं, ये भौतिक शास्त्री बोल सकते हैं इनको, हु वर्कड इन मैलरी आर्कियोपिलगो पेलागो हैड आल्सो सम केम टू सिमिलर कंक्लूजन अराउंड द सेम टाइम, उसी टाइम पे, डार्विन के टाइम पे ही ऐसे ही उन्होंने चीज़ें ऑब्जर्व की और इसी कंक्लूजन पे पहुंचे जो नेचुरल सिलेक्शन है। तो इस थ्योरी को जो एल्फर्ड वेलेस हैं उन्होंने भी अपनी सेटिस्फेक्शन है, संतुष्टि है, वो दी। तो ये डार्विनियन थ्योरी, जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है, ये क्या कहती है कि इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, जो जैव विकास होता है वो नेचर के द्वारा सिलेक्शन की प्रोसेस के द्वारा होता है। तो इसके अंदर टू की कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, ब्रांचिंग डिसेंडेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। ब्रांचिंग डिसेंडेंट का मतलब है जो एंसेस्ट्रल स्पीशीज है, जो वंशज, जो पूर्वज हैं, पूर्वजों के जो वंशज आगे बढ़ते हैं वो अलग अलग लाइन में चले जाते हैं। जैसे एक टहनी होती है, ब्रांच निकली होती है एक स्टेम से, तो अलग अलग डायरेक्शन में फैली होती हैं, उनके ऊपर अलग अलग टाइप के जो भी फ्रूट्स हैं, जो भी लीव्स हैं, और जो फूल वगैरह अलग अलग लगते हैं, इसी प्रकार से एक कॉमन जगह से ही जो जीव जंतु, जो अलग अलग प्रकार के जीव जंतु वो निकले हैं, और उनके अंदर जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया वो अलग अलग प्रकार के वो डलते गए। और नेचुरल सिलेक्शन का भी इसके अंदर काफ़ी रोल है, नेचर जिन जीवों को सिलेक्ट करती है तो वो क्या होने चाहिए, फिट होने चाहिए, रिप्रोडक्टिवली फिट होने चाहिए वो। सम ऑर्गेनिजम्स आर बेटर अडेप्टेड, इनमें से कुछ जीव ऐसे हैं जो बिल्कुल सही ढंग से अनुकूलित हैं अपने एनवायरमेंट के प्रति, इन एन अदरवाइज होस्टाइल एनवायरमेंट आई नेचर सिलेक्ट्स द फॉर फिटनेस, तो अपने जो आसपास के एनवायरमेंट के प्रति जो ज़्यादा फिट हैं तो उन्हीं को नेचर है वो सिलेक्ट करती है। अडेप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड, और जो ये चेंज हुई
जो भी चेंज हैं ये इनहेरिट होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, और इनका जेनेटिक बेस भी माना जाता है कि जीन के अंदर भी नहीं, इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर रहती है, जो भी एक इंडिविजुअल अपने अंदर चेंजेस करता है, वेरिएशन वो लेके आता है। फिटनेस इज एंड रिजल्ट ऑफ द स्टेबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय द नेचर। और जो फिटनेस है ये यही एंड रिजल्ट होता है, जो भी अलग अलग इंडिविजुअल अपने अपने अटैम्प्ट करता है जिंदा रहने के लिए अर्थ के ऊपर, तो उसका जो मेन एंड में रिजल्ट उसको फिटनेस से मिलता है, और फिटनेस यदि ज़्यादा से ज़्यादा शो करेगा तो नेचर के द्वारा सिलेक्ट रहेगा, मतलब वो जिंदा रहेगा धरती पे। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जो माइक्रोब्स का एग्जाम्पल लेते हैं हम, यदि हम उसको लैब के अंदर उगाते हैं कल्चर प्लेट के ऊपर, अलग अलग मीडियम होते हैं जिन पे हम बैक्टीरिया को, अलग अलग माइक्रोब्स को उगा के देखते हैं, तो वो डिवाइड फास्ट, वो बड़े जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं और अपनी जो संख्या है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ज़्यादा संख्या में बढ़ते हैं, और थोड़े ही टाइम में 1 घंटे के अंदर अंदर, कुछ ही घंटों के अंदर, वो अपनी लाखों की संख्या बना लेते हैं। और ए कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया ग्रोइंग ऑन ए गिवन मीडियम हैज बिल्ट, तो अलग अलग जो कॉलोनी है बैक्टीरिया की, वो अलग अलग वेरिएशन है उनके अंदर आ जाती है, उनको जिस प्रकार का अपना खाना मिलता है एनवायरमेंट में, जो भी हम उनको खाना देंगे तो उस हिसाब से वो अपने आप को चेंज करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से काजिंग सर्वाइवल पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन दैट कैन सर्वाइव अंडर न्यू कंडीशन, जिसके अंदर कुछ ही जो पोर्शन है पॉपुलेशन का वो अच्छे ढंग से सर्वाइव कर पाएगा जब हम उनको नई कंडीशन देंगे। तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, इसी टाइम के अंदर वेरिएंट पॉपुलेशन आउट ग्रोथ अदर्स, जिसकी वजह से कुछ जो बदली हुई जो पॉपुलेशन है जिसके अंदर बदलाव आ जाते हैं, जो हम खाना यदि चेंज कर करके उनका एनवायरमेंटल कंडीशन यदि उनकी चेंज कर रहे हैं, तो जो कुछ वेरिएंट पॉपुलेशन है वो दूसरों को वहाँ पे वैनिश कर देती हैं और बदली हुई मिलेंगी, अपियर्स ए न्यू स्पीसीज। तो जो पुराने वाली जो हमने बैक्टीरिया क्लोनी ग्रो की थी, जो बदलते गई आगे आगे, नए नए चेंजेस उसके अंदर आते गए कई पीढ़ियों के बाद, तो वो एक नई स्पीसीज को बना के वहाँ पे देखने को मिलती है, एक स्पेसिएशन वहाँ पे प्रोसेस है वो मिलेगी, स्पेसिएशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज अकर्स विद इन डेज, और कुछ दिनों में ही होता है ये जो इवोल्यूशन है जो माइक्रोब्स के केस में यदि देखें, जबकि जो फिश हैं, फाउल हैं, जो पक्षी हैं, जो मछलियाँ हैं और जो हाइयर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर यही जो प्रोसेस है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों सालों का टाइम ले लेती है, क्योंकि ऐसे जीवों का जो उनका लाइफ स्पैन होता है वो ज़्यादा होता है, ज़्यादा टाइम आता है। जैसे जो ह्यूमन है उसका लगभग 80-200 जो ईयर्स है वो लाइफ स्पैन रहता है, तो उसको इवोल्व होने में, उसके अंदर चेंजेस विकसित होने में काफ़ी साल लग जाते हैं। उसके बाद है लेमार्क थ्योरी, जिसको लेमार्किज्म भी बोला जाता है। तो लेमार्क के अनुसार इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स हैड अकर्ड बाय द यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, जो जैव विकास हुआ है धरती पर, अलग अलग जो जीवन विकसित हुआ है वो किस चीज़ के बेस पे हुआ है, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। यदि हम किसी भी ऑर्गन को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो अच्छे ढंग से इम्प्रूव होता चला जाता है, और यदि किसी ऑर्गन का हम अच्छे ढंग से यूज नहीं करते हैं तो वो डिसयूज में चला जाता है, वो आराम आराम से अपनी जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल है जैसे जिराफ, हु इन एन अटेम्प्ट टू फोरेज लिविंग लीव्स ऑन द टाल ट्री, जैसे जिराफ की जो गर्दन है, लंबी गर्दन, वो किस बेस पे हुई है, मतलब पहले के जो जिराफ है जिन्होंने प्रयास करना शुरू किया, जो पेड़ है, पेड़ की जो ऊंची टहनियाँ हैं उनको, उनके पत्तों खाना शुरू किया, फोरेज का मतलब है एक मतलब शिकार करके खाना, या फिर एक फीडिंग हैबिट बोल सकते हैं, हैड टू अडेप्ट बाई इलोंगेशन ऑफ दियर नेक, तो उन्होंने क्या प्रयास किया, उनका जो अनुकूलन क्या रहा, उनको अपने बदल जो भी पत्तों खाने के लिए अपनी जो नेक हुआ उसको अडेप्ट किया, उसकी जो लंबाई है वो बढ़ी, पास्ट ऑन दिस एक्वायर्ड करेक्टर, और जो ये करेक्टर उन्होंने प्राप्त किया नेचर से, तो उसको अपनी आगे की पीढ़ियों में एक के बाद एक सक्सीडिंग जो जनरेशन उसकी आती गई उसके अंदर इसको ट्रांसफर करते गए, और जिराफ स्लोली ओवर द ईयर्स केम टू एक्वायर्ड लॉन्ग नेक्स, और जो जिराफ्स के अंदर जो लंबी गर्दन आती हैं वो कई सालों का ही जो इसी प्रकार के जो करेक्टर वो एक्वायर करते गए, और ये जब करेक्टर बहुत ज़्यादा इकट्ठे होते गए तो जो गर्दन है वो बहुत लंबी होगी। जैसे शुरुआत में जो जिराफ उनकी गर्दन छोटी थी, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने हाइयर जो प्लांट्स हैं उनकी जो ब्रांचेज को पत्ते खाने स्टार्ट किए, तो ज़्यादा ज़्यादा वो प्रयास करते गए, तो जिस चीज़ की उनको नीड लगी तो वो चीज़ उनकी जो जैसे हाइट है गर्दन की वो बढ़ती चली गई, और आज हम जो जिराफ है उसकी लंबी गर्दन है वो आसानी से देख पाते हैं। उसके बाद है म्यूटेशनल थ्योरी। इन फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के शुरुआती दशक में, जैसे जो 1910 के आसपास की बात कर रहे हैं, 0 से 1900 से लेकर 1910 के आसपास की,
तो ह्यूज ओ डी वेरीज बेस्ड ऑन हिज वर्क, उन्होंने कुछ काम किया किसके ऊपर, इवनिंग प्राइम रोज के ऊपर, एक ये प्लांट है ब्रोट फोर्थ आइडिया ऑफ म्यूटेशन, जिसकी वजह से उन्होंने म्यूटेशन का एक पॉइंट दिया। म्यूटेशन क्या होती है, सडन इनहेरिटेबल चेंज, कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ जाते हैं और उनकी वजह से भी वेरिएशंस काफ़ी देखने को मिलती हैं। बिलीव्ड दैट म्यूटेशन काज इवोल्यूशन, तो इनका मानना था कि जो ये म्यूटेशन है यही जैव विकास को विकसित करती हैं और ये माइनर फॉर्म में नहीं होती कि थोड़े थोड़े चेंज आएंगे, बल्कि ये एकदम से आती हैं और एकदम से बदलाव करती हैं। ये जैसे कि जो डार्विन बताते थे कि भाई ये नेचुरल सिलेक्शन होता है, नेचर आराम आराम से उन्हीं इंडिविजुअल को, जो इन्वायरमेंट है वो आराम आराम से चेंज होता है और उस हिसाब से आराम आराम से वेरिएशन जीवों में देखने को मिलती है। लेकिन इनका मानना था कि म्यूटेशन एकदम से आती है जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म एकदम से कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, नई स्पीसीज बनाता है। और इनका ये भी मानना था कि म्यूटेशन रैंडम होती है, उनका किसी भी परिस्थिति से कोई मतलब नहीं होता, किसी फॉर्म में वो आ सकती हैं, डायरेक्शन लेस होती हैं, कोई फिक्स उनका टारगेट नहीं होता कि वह नेचर के द्वारा सेलेक्ट किया जाना, इसलिए ही मेरे को म्यूटेट करना पड़ेगा, म्यूटेशन आनी चाहिए। जैसा कि डार्विन ने बताया था कि जो म्यूटेशन, जो वेरिएशन थी वो स्मॉल लेवल पे थी, छोटे लेवल पे थी, लेकिन उनका एक डायरेक्शन एक्सेप्ट था। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन भी देख सकते हैं म्यूटेशनल थ्योरी में और नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के अंदर। तो म्यूटेशन काज्ड स्पेसिएशन, तो इनका मानना था कि जो म्यूटेशन है उनकी वजह से जो स्पीसीज बनी है वो ग्रेजुअली नहीं बनी, आराम आराम से नहीं बनी, बल्कि वो एक सिंगल स्टेप में ही बनी है, और जिसको साल्टेशन माना जाता है। साल्टेशन मतलब एक टाइम पे जो वेरिएशन है एकदम से आ जाती हैं और उसके बाद काफ़ी लंबे टाइम तक कोई वेरिएशन वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, और ये म्यूटेशन की वजह से आती हैं।